जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ है भाई अवनीश जी पीएन शर्मा प्रारब्ध चैनल से। अवनीश भाई राम राम। बाबा जी बहुत बहुत नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, जय जय श्री राम। सर मैंने सुना है अखिलेश जी मंगेश यादव नामक डकैत की मूर्ति लगवा रहे हैं सैफई में, और सैफई का नाम बदल के मंगेश नगर करने जा रहे हैं। ये सच्ची बात है क्या? सैफई का नाम बदल जाएगा, मंगेश नगर हो जाएगा? नहीं नहीं, आपने ये जो दोनों बातें कही ये फैक्चुअली भले ना सही हो, और ऐसा हो सकता है कि सही ना हो रहा हो, लेकिन जिस भाव की आपने बात कही ना कि अखिलेश यादव जिस भाव में है, तो भाव के आधार पर ये आपकी बात बिल्कुल सही है। वो सैफई क्या सर, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की अगर सरकार रहती, समाजवादी की सरकार रहती, तो वो विधानसभा में अब तक प्रस्ताव पारित करके उत्तर प्रदेश का नाम ही उन यादव जी के नाम पर, 1 लाख इनामी के नाम पर कर देते, और सपा का इकोसिस्टम इसको इस बात इस तरह से एस्टेब्लिश करता कि साहब देखिए, हमने उस महापुरुष के नाम पर प्रदेश का नाम कर दिया है जो सरकार जिसकी कीमत 1 लाख रुपया लगा रखी थी। कितने बहुमूल्य व्यक्तित्व मंगेश यादव जी। तो भाव के आधार पर आपकी बात बिल्कुल सही है सर, और यही हकीकत है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लुटेरे, लाख रुपए के इनाम वाले अपराधी, उसके साथ नहीं खड़े रहेंगे तो कहां खड़े रहेंगे सर? अयोध्या में एक नाबालिग के रेपिस्ट के साथ नहीं खड़े रहेंगे तो कहां रहेंगे? कन्नौज आएंगे तो एक दूसरे नाबालिग के रेपिस्ट के साथ वो खड़े नहीं रहेंगे तो कहां रहेंगे सर? आप ये बताइए, अपने समर्थकों के बीच में ही खड़ा रहना है ना उनको। तो जो व्यक्ति जिस मोड की पॉलिटिक्स करता है, जहां उसका अपना जनाधार है, आपको लग रहा होगा सर कि मंगेश यादव एक इनामी बदमाश था, एक इनामी लुटेरा था, मुठभेड़ में मारा गया। मंगेश यादव अखिलेश यादव के लिए एक रिसोर्स है, और अखिलेश यादव की जो MY वाली पूरी राजनीतिक थ्योरी है, उसके Y वर्ग का वो हीरो है। तो सर अखिलेश यादव जी से आप अपेक्षा दूसरी और क्या करेंगे सर? और एक चीज मैं बताऊं, उनकी अपेक्षा व्यक्त करना उनका काम है, वो अपने दिल की बात अपने जबान पर लाके कहेंगे। एक तरफ वो किसी पत्रकार को उसकी जाति पर टारगेट कर देंगे, नया नया सोहबत उनको जाति का मिला है राहुल गांधी को, जो कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी जाति देख रहे हैं, तो उनकी सोहबत में ये जाति वाली पॉलिटिक्स करते हुए अखिलेश यादव निश्चित तौर पर उस बात को चरितार्थ कर रहे हैं कि लाल टोपी का मतलब गुंडा, और ये खुद अखिलेश, और वो इंजॉय कर रहे हैं इस स्टेटस को सर। देखिए, समाजवादी पार्टी की राजनीति अराजक राजनीति को एंजॉय करती है, और सिर्फ एंजॉय ही नहीं करती, उसको ओन करती है। जब अखिलेश यादव ये कह देते हैं कि बुलडोजर का मुंह और रुख गोरखपुर की तरफ हो जाएगा, तो भाई गोरखपुर के एक एक आम शहरी को तो वो कुचल ही देंगे, लेकिन इसके साथ वो क्या करना चाहते हैं? सनातन के लिए अनवरत सेवा करने वाले विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस, वो भी गोरखपुर में है, उस पर चलाएंगे बुलडोजर। मैं दूसरे नंबर पर लाता हूं, सनातन के एक और महत्वपूर्ण पीठ, अभी अलग रख दीजिए कि योगी आदित्यनाथ जी उसी पीठ से आते हैं, गोरक्ष पीठ, क्या उस पर चलाएंगे बुलडोजर? क्या मंशा है उनकी? क्या गोरखपुर जो पूर्वांचल का एक केंद्र है, रामगढ़ ताल जिसका ब्यूटिफिकेशन हुआ है और वहां पर एक डायमंड नेकलेस तैयार हुई है, क्या उसको उठा के कूड़े से पाट देंगे? अखिलेश यादव अराजकता को ओन करते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिजली अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दौरान रहती थी तो सैफई के लिए रहती थी, मैनपुरी के लिए रहती थी, तो वो बुलडोजर का रुख निश्चित तौर पर कर सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव को यह जवाब भी देना चाहिए और देना पड़ेगा। और एक चीज सुना सर, जवाब जनता उनको दे रही है। 17 के बाद योगी आदित्यनाथ जी की एक सरकार, भाजपा की एक सरकार चली ना सर, और जब 17 का इलेक्शन भाजपा ने लड़ा था तो योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री के चेहरे में नहीं, चेहरे के रूप में प्रोजेक्टेड नहीं थे ना सर। तो अखिलेश यादव को
बिना भाजपा का कोई चेहरा देखे भाजपा की राजनीति को बहुमत दिया था उत्तर प्रदेश ने और अखिलेश यादव को सत्ता से निकाल के बाहर किया। उसके बाद क्या होता है, योगी आदित्यनाथ जैसे एक यशस्वी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी देके जनता की, उत्तर प्रदेश जनता की जन आकांक्षा को पूरी करती है क्योंकि उसने प्रचंड बहुमत दिया था और सत्ता से हटाया था अखिलेश यादव को। 5 साल परफॉर्मेंस देखने के बाद योगी आदित्यनाथ जी के साथ, उनके चेहरे के साथ लड़ती है बीजेपी और 3 दशकों का इतिहास बदल के रख देती है कि एक ऐसी पार्टी जो 5 साल सत्ता में रही रिपीट कर जाती है। 27 के लिए उसी समीकरण को लेके और थोड़ा सा उत्साहित हो जाना कि अफवाह के चलते, थोड़े कुछ कंफ्यूजन के चलते, थोड़ी एक निराशा के चलते, जो अभी लोकसभा में हल्का सा उनको जंप मिल गया है तो उसमें उनको लग रहा है कि साहब अब एक्सट्रीम नेगेटिविटी के साथ इलेक्शन लड़ जाओ, राहुल गांधी की संगत मिली है, एक्सट्रीम नेगेटिविटी के साथ इलेक्शन लड़ जाओ तो शायद 2027 में एक चांस बन जाए। और एक्सट्रीम नेगेटिविटी में जातियों में बांटो, किसी एक जाति के प्रति नफरत भरो, समाज को इधर से उधर करो, रेपिस्टों के साथ खड़े रहो, सनातन को इरेडिकेट करने की बात करने वाले राहुल गांधी की सोबत में सनातन को मिटा दो, गीता प्रेस की जिस शहर में स्थापित है वहां पर बुलडोजर चलवा दो। तो ये सारी चीजें कवायद अखिलेश यादव की इसी बात पे है। लेकिन अखिलेश यादव और उनके इकोसिस्टम एक चीज भूल रहा है सर, 2014 से इस देश में, मैं बार बार कहता हूं, जनता के स्तर पर एक गजब की साक्षरता और समझ पैदा हुई है। मतदाता के स्तर पर वो जानता है कि विधानसभा में कैसे वोट करना है और लोकसभा में कैसे वोट करना है, उसको अच्छी तरह पता है। और यही वजह थी कि 2017 के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, क्योंकि नरेंद्र मोदी को अगर तीसरी टर्म का प्रधानमंत्री बनाया है भारत ने, यह सोचते हुए कि अगर नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर कांग्रेस और इंडी अलायंस गलती से दोबारा वापसी कर लेता है इस देश में तो देश बर्बाद हो जाएगा, इसी तरह से उत्तर प्रदेश का मतदाता भी यह जानता है सर कि लाल टोपी अगर आ गई तो उत्तर प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। तो अखिलेश यादव ऐसे ही करते रहेंगे जी। मुझे एक बात बताइए, मुसलमान तो चलो अपराधियों को पेट पे बम बांध के घूमने वालों को, आतंकवादियों को गाजी गाजी मानता आया, ये तो उनका धार्मिक वो है। क्या यादव भी मंगेश यादव जैसे, यादव समाज यदुवंशी, क्या वाकई चोरों डकैतों को अपना ब्रांड एम्बेसडर, अपना हीरो, एक ऐसा व्यक्ति जो एक सर्राफ के एक दुकान में घुस के डकैती डाल रहा है और उसका सीसीटीवी का पूरा फुटेज पूरे देश में वायरल है, विमर्श का यह हिस्सा नहीं बना कि वह डकैती डालने वाला 1 लाख का इनामी डकैत है, विमर्श यह बना कि नहीं यादव था इसलिए गोली मार दी गई, नहीं डकैत था इसलिए गोली मार दी गई। किसी ने बड़ा ट्वीट करके पूछा है, शायद अमिताभ अग्निहोत्री जी ने पूछा है कि क्या अब एनकाउंटर करने से पहले आधार कार्ड चेक करना पड़ेगा, अब एसटीएफ जो है आधार कार्ड चेक करके किसी का एनकाउंटर करेगी या किसी अपराधी को पकड़ेगी, क्या सरनेम देख के डिसाइड होगा कि किस अपराधी को पकड़ना है, किसको छोड़ देना है और किसको टिकट देके एमएलए एमएलसी बना देना है। तो जब अखिलेश यादव ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो क्या वाकई उनका जो वोट बैंक है, यादव वोट बैंक, क्या वाकई इस नेचर का है कि एक एक डकैत का महिमा मंडन उसको अच्छा लग रहा होगा, आप बताइए मुझे। सर मैं अपने पहली बातचीत में मैंने क्या किया कि ये अराजकता को ओन करते हैं, एंजॉय करते हैं, और दुर्भाग्य की बात यह है कि इन्होंने अपने उस वर्ग को, क्योंकि ये जातिगत दुकान है सर, MY समीकरण की दुकान जातिगत दुकान है, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उन्होंने अपने उस वर्ग को ये
एहसास करा दिया है, और न सिर्फ एहसास कराया है बल्कि इसका लाभ दिलाया है कि यस जाति देखकर हम काम करते हैं जब हम सत्ता में रहते हैं। सर अभी अभी एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पर वरिष्ठ पत्रकार अग्रज प्रदीप सिंह जी ने एक बहुत बड़ी बात जो कि इस समय राष्ट्रीय विमर्श में है कि जब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में थी तो मेरठ से जुड़े हुए एक बड़े व्यापारी घराने की बिटिया के साथ किस तरह की चीजें हुई, वो पब्लिक डोमेन में है, इस समय राष्ट्रीय चर्चा में है, हर जगह लोग उस पर बात कर रहे हैं। सर उसी के साथ साथ उसी कार्यक्रम में प्रदीप सिंह जी ने एक बात और कही थी नेशनल चैनल पर, उन्होंने कहा था और उन्होंने एक डीजीपी साहब की तरफ, मैं जानता हूं वो कौन डीजीपी साहब हैं, बहुत सारे नेशनल चैनल पे आते हैं, बहुत सारे राष्ट्रवादी यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पे भी आते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका नाम लेने की आवश्यकता है, अब दर्शक समझ गए होंगे। वो जब डीजीपी थे विक्रम सिंह साहब, चलिए विक्रम सिंह साहब, उन्होंने कहा कि डीजीपी साहब ने अनऑफिशियली बताया था कि अखिलेश यादव की सरकार रहते हुए उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक रूप से पुलिस कप्तानों को और उत्तर प्रदेश पुलिस को थाने थाने चौकी चौकी सिपाही तक ये मैसेज था कि अगर किसी अपराध में कोई मुसलमान या कोई यादव अगर शामिल है तो एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। ये पब्लिक डोमेन में मौजूद है, प्रदीप सिंह जी ने कहा विक्रम सिंह साहब के हवाले से अनऑफिशियली, लेकिन अब वो ऑफिशियली है ना पब्लिक डोमेन में। दूसरा उन्होंने और चीज एक रिवील की कि ये भी कहा गया था अनऑफिशियली मैसेजिंग कि अगर एफआईआर लिखना बहुत जरूरी ही हो, अपरिहार्य हो गया हो कि भाई एकदम खुला मामला हो, कैसे एफआईआर कोई ना लिखे, तो एफआईआर लिख तो ली जाए लेकिन कार्यवाही ना हो। आप ये बताइए 5 साल जिस वर्ग ने इस चीज को एंजॉय किया हो तो फिर वो मंगेश यादव को हीरो कैसे नहीं मानेगा, वो तो उस टेम्पलेट से उन दिनों से 17 तक की सरकार से मिलान कर रहा है ना। मुसलमान आज ये भरोसे में है ना, उसने उस 5 साल को एंजॉय किया है ना, उसको पता है ना कि अगर अखिलेश भैया की सरकार रहती तो अतीक नहीं मारा जाता, उसको ये पता है कि 17 और डकैतियां करता मंगेश यादव, नहीं मारा जाता। और तब जबकि ये भी सच है, ऑफिशियली जाके खोज लें, पब्लिक डोमेन में है, दर्शकों से अपील है मेरी कि सबसे ज्यादा सस्पेक्टेड ऑन रिकॉर्ड मुठभेड़ अखिलेश यादव जी की सरकार के दौरान है। ये मैं कोई लाके खोज के नहीं कह रहा हूं, पब्लिक डोमेन में है, लोग जाएं नंबर्स हो जाएंगे, मैं नंबर्स नहीं बताऊंगा। तो सर आप जो कह रहे हैं ना कि क्या अखिलेश यादव जी के जाति वर्ग से आने वाला उनका समर्थक ऐसे दुर्दांत अपराधियों को अपना हीरो मान बैठा है, सर अनुभव के आधार पर ही आदमी हीरो और विलेन मानता है ना, राजनीति तो कोई फिल्म तो है नहीं कि फिल्म देख लिया और डायरेक्टर ने उसको फलाने को विलेन बना दिया तो उसको विलेन समझ के बाहर आ गया। अखिलेश यादव के समर्थक वर्ग MY समीकरण के उनके सारे वोटर्स ने इस सुविधा का लाभ उठाया है समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए, और वो उस परंपरा से आता है जहां पर पितामह समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव रेपिस्टो के बारे में कहते थे मासूम है, मासूमों से गलतियां हो जाती हैं। तो सर जब इतनी अच्छी सफेदी और चमक कम दामों में यानी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सरकार में मिले तो समर्थक वो क्यों ना ले, सर उसने एंजॉय किया है। सर यहां पे मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, ये वही अखिलेश है ना जो जब नए नए राजनीति में आए थे और जब इन्होंने सत्ता संभाली थी तो इन्होंने कह दिया था कि हम किसी गुंडे बदमाश चोर माफिया को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे, उनको टिकट नहीं देंगे। और ये वही अखिलेश है जिन्होंने DP यादव को और मुख्तार अंसारी को पार्टी में नहीं लिया था और मजबूरन उनको पहले बसपा में जाना पड़ा और फिर कौमी एकता दल बनाना पड़ा। तो वो एक नौसिखिया पॉलिटिशियन अखिलेश था
जबकि इनके बाप ने और चाचा ने मना किया था कि अरे अभी तुम लौंदे हो, अभी तुमको कुछ पता नहीं है, ये चोर बदमाश के बिना पॉलिटिक्स नहीं होती है, हमारी बिरादरी सिर्फ चोरों को पसंद करती है, चोर तो लेने ही पड़ेंगे बेटा। फिर अंत में उसी अखिलेश ने अपनी गलती मानते हुए तमाम देश के चोर डकैत भ्रष्टाचारी को भर्ती कर लिया। तो अखिलेश को अपनी गलती का एहसास हो गया कि नहीं, चोरों के बिना, डाकुओं माफियाओं के बिना पार्टी नहीं चल सकती। जिस वर्ग का वोट लेना है वो डकैतों को पसंद करता, उसके लिए मुख्तार, अतीक, डीपी यादव या मंगेश जैसे डकैत जरूरी हैं, वही हीरो हैं, वही वोट दिलाएंगे। लड़कों हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, तो अखिलेश से गलती हो गई थी, सुधार ली उन्होंने, ये क्यों ना मान लिया जाए? मान क्यों लिया जाए सर, इसमें मानने और ना मानने जैसी क्या कौन सी बात है, ये आप होता हुआ देख रहे हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जो भरे मंच पर अपने पिता को, मतलब अब क्या ही कहें, किसी ऐरे गरे की तरह झड़क देते हैं, माइक छीन लेते हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जिनके तमाम अप्पू यादव, पप्पू यादव, टिंचू यादव, पिंचू यादव, ये तमाम एक, चाहे वो सरकारी सिस्टम में दखल देना हो। सर यही उत्तर प्रदेश है, समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष के सामने डीएम की हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपनी चेयर पर बैठ के काम करे, एसपी की ये हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपनी चेयर पर बैठा रहे। ये कार्य संस्कृति समाजवादी पार्टी की रही है। अब समाजवादी पार्टी, मैंने आपको कहा ना कि उन, आप जो बार बार कह रहे हैं कि ये वर्ग उन्हीं को हीरो मानता है, ये वर्ग उन्हीं को अपना नायक मानता है, उसकी वजह मैंने पहले ही बताई ना कि 5 साल अखिलेश यादव ने ये इंजॉय करा के दिखाया है, उनको बताया है, इसलिए वो डेस्परेट है, इसमें कोई शको शुभा की बात है ही नहीं है। लेकिन उसी के साथ एक चीज और मैंने कही थी सर कि इस देश में 14 के बाद जरा एक इलेक्टोरियल सिस्टम में उनका जो पैटर्न है, वोटिंग सिस्टम है, वोटिंग पैटर्न है, उसमें परिवर्तन आया है। आप बहुत सारे दर्शक ये कह सकते हैं कि साहब 4 जून में ऐसा क्या हो गया, अरे साहब लप्पे में कुछ भी हो जाता है, लेकिन यथार्थ तो यही है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी छाती पर चढ़ के अपनी सरकार बनाए बैठे हैं, बहुमत अब भी है। कुछ लोग कहेंगे नहीं साहब इनका बहुमत तो नहीं है, अरे साहब ये बताइए 2014 में जब अकेले बहुमत थी तब भी एनडीए की सरकार थी, 2019 में सबसे ज्यादा सीटें थी तब भी एनडीए की सरकार थी, अब भी एनडीए की सरकार है, रहने दो। 30 साल से इस देश में अकेले कोई सत्ता रिपीट नहीं कर पाया था, 150-200 से ज्यादा सीटें नहीं लेके आ पाया था, और 240 सीटें ले आने वाले को कहते हो कि तुम कमजोर सरकार है। मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में वापस आ जाता हूं, अखिलेश यादव की और समाजवादी राजनीति के वापस आ जाता हूं। सर जब स्वच्छता बनाम गंदगी की लड़ाई हो तो एक पक्ष को गंदगी का नायक बनना पड़ेगा, जब अच्छा शासन, सुशासन वर्सेस कुशासन की लड़ाई हो, ऑप्शन हो, तो एक व्यक्ति को कुशासन का नायक बनना पड़ेगा। एविल और डेविल वाला फार्मूला सर, ब्लैक एंड व्हाइट वाला फार्मूला सर, दिन और रात वाला फार्मूला सर। अखिलेश यादव 2027 में इन्हीं संभावनाओं को टटोलने के लिए वो नकारात्मकता के नायक बने बैठे हैं। उनको पता है कि उनके हाथ से, उनकी सरकार से कभी सुशासन नहीं आ सकता, तो वो कुशासन और अराजकता का नायक बन के बैठे हैं। और उस संभावनाओं को तलाश रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश को वापस प्री 2017 एरा में ले जाने वाला अगर एक वर्ग है तो उस वर्ग को अपील करके जितना मैक्सिमम रिटर्न लिया जा सके पॉलिटिकली। जी इसका मतलब जहां एक तरफ योगी जी जैसे महानायक हैं जो कि देश में, राज्य में सुशासन, कानून व्यवस्था, गुंडों बदमाशों के लिए काल, महिला सम्मान, महिला सम्मान, ये उनका यूएसपी है, ये उनके पोल प्लैंक्स हैं, हैं, ये उनकी छवि है, और दूसरी तरफ चोर, गुंडा, बदमाश, जंगल राज,
भाई योगी जी के सम्मान में लोग कहते हैं कि बुलडोजर वाले बाबा आ गए, इसका मतलब अखिलेश माने AK-47 वाले डकैत आ गए। अखिलेश के शासन को, अखिलेश के शासन को अगर हमें एक कैरिकेचर बना के या मीम बना के प्रदर्शित करना हो तो एक डकैत जिसके हाथ में, जिसके आंख पे एक यहाँ काली पट्टी बंधी है और जिसने AK-47 दो टोल ले रखी है और उस पे लिख दिया जाए सपा का शासन, तो इसमें क्या अतिशयोक्ति होगी? अखिलेश अतिशयोक्ति है ही नहीं है सर, उन्होंने अपना पाला बड़ी सोच समझ के चुना है, चुना है, ये उन्होंने चुनी है पॉलिसी। बिल्कुल सर, न सिर्फ चुनी है बल्कि उस पर बेहद गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं और इसमें उनको राहुल गांधी जैसे राष्ट्रीय अराजक का साथ मिला हुआ है जिसके पीछे इंटरनेशनल खलनायक्स भी है। तो सर क्या चाहिए? मैंने कहा ना एविल और डेविल वाला फॉर्मूला है सर, ब्लैक एंड व्हाइट वाला फॉर्मूला है। आपको नहीं लग रहा कि ये 10 सीटों का जो उपचुनाव है इसके लिए भी ये पोस्टरिंग है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि 5 सीटें तो ऑलरेडी करना चाहते हैं जी सर। कोई स्कीम अगर पूरे प्रदेश या देश में लागू करना होता है तो कुछ पायलट प्रोजेक्ट लागू किए जाते हैं ना, ये 10 सीटों का उपचुनाव उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, इंडी अलायंस, राहुल गांधी, ये सारे लोग, सकारात्मकता बनाम नकारात्मकता, सुशासन बनाम कुशासन, शांति बनाम अशांति, इस पर लड़के देखना चाहते हैं कि 2027 में ऐसी कोई संभावना बन सकती है कि नहीं बन सकती है। साफ है सर, वेल डिसाइडेड। तो इतना मैं तय मान लूं कि अखिलेश यादव माने वापसी जंगल राज की ओर। अगर आप पुनः इस प्रदेश में जंगल राज लाना चाहते हैं तो अखिलेश यादव को ले आइए, तो मंगेश यादव जैसों की 12 हो जाएगी। बिल्कुल साहब। अवनीश भाई आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक चीज सर, वीडियो में तमाम नकारात्मक जी, अंतिम बात सर, तमाम नकारात्मकताओं के बीच में हमेशा समाधान की तरफ इशारा जरूर करना चाहिए। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां ये बेचने का प्रयास तो किया जा रहा है सर, आते हैं ना मार्केट में, जहर भी बिकता है ना सर, बेचने की कोशिश की जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने अपने तमाम पिछले इतिहास को नकारते हुए 17 में अगर एक सरकार ले आए, 5 साल परफॉर्मेंस देखा तो 3 दशकों का इतिहास भी बदल दिया है सर, 2027 में भी, ये साफ साफ है। धन्यवाद अमरीश भाई, अगले वीडियो में सर फिर से मिलते हैं, आज आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, नमस्कार।